सेट के लिए ये देखिए मार्केट है, ये मेन मार्केट है, ये घोड़ा गेट बोलते हैं इसको। ये पूजा कॉलोनी के सामने से ये मार्केट गई हुई है और सीधी साइड पर जाती है हमारी। तो स्कूल है बगल में और ये बसें भी लगी हुई है देखिए, और ये नेशनल हाईवे रोड है सर, मेन रोड है, बन रहा है सर। और ये मेट्रो का कभी जो है काम चल रहा है, देख लीजिए ये जो है ये पिलर बन रहे हैं और ये 14 लाइन का ये हाईवे बन रहा है। ये गवर्नमेंट स्कूल है सर, सरकारी स्कूल, देखिए। अच्छा, सरकारी स्कूल भी है? जी जी जी, ये सरकारी स्कूल है और ये यहाँ से बिल्कुल हाफ किलोमीटर की दूरी पर हमारी साइड है ये मार्केट। ये फुल बसावट देखिए, बसावट देखिए सर, क्या बसावट है। ये मंदिर है और फुल बसावट में है, देख लीजिए आप, फुल रिहाइश में। मैदान जिसको बोलते हैं क्रिकेट स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, ये स्टेशन वाले रोड पे है ये स्टेडियम सर, और इसके पीछे बिल्कुल बैक साइड में हमारी साइड है ये राजा गार्डन कॉलोनी है हमारी है ये पुरानी। इसी रास्ते से हमारी साइड पे रास्ता गया हुआ है, ये हाईवे पे जा रहा है रास्ता ये। मतलब ये जो कॉलोनी हमारी साइड से लगता हुआ है, बिल्कुल मतलब साइड के पास है। जी जी, ये हमारी साइड के पास है, ये भी कॉलोनी पुरानी हो चुकी है हमारी और ये रास्ता सीधा हाईवे पे गया है सर। सो गाइस, फाइनली जो हम साइड के पास पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हो दोस्तों दूर दूर तक जो बसावट, काफी सारे लोग बाग जो दोस्तों यहाँ पे आ रहे हैं। और दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो काफी चौड़ी सड़कें और सामने की तरफ जो है देखिए हनुमान जी का मंदिर है बिल्कुल पास में दोस्तों, और जस्ट साइड में आपको यहाँ पे इंटर कॉलेज दिख रहा होगा, मतलब जो हमने आपको दिखाया था फोटो में दोस्तों, देखिए सामने की तरफ जो है वो कॉलेज है जो कि बिल्कुल आपके साइड से आंखों से विजिबल होगा, उतनी साफ हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, बट दोस्तों सारी चीजें जो है बिल्कुल पास में होने वाला हाईवे जो है हनुमान जी के जस्ट मंदिर के पास आपको जो है हाईवे मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए आइए जानते हैं इस लोकेशन के बारे में, लेकिन उससे पहले फटाफट दोस्तों सबसे पहले हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह की वीडियो प्रॉपर्टी की लेकर के मैं आप सभी के लिए आता रहता हूँ। चलिए तो आज के इस वीडियो में हमारे साथ जो है इकबाल जी है जो की आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे। तो सर क्या हाल चाल है जी? जी सर जी, ठीक है सर। तो सर हमारे जो भी व्यूअर हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जी सर, उनको सबसे पहले हमारे प्रॉपर्टी के लोकेशन के बारे में बताओ कि हमारी एक्चुअली प्रॉपर्टी की लोकेशन किस जगह है। जी, ये लोकेशन सर जी आपको इंडस्ट्री एरिया में है, ये सामने बगल में इंडस्ट्री एरिया है सर, ये हाईवा है मात्र 500 मीटर की दूरी पे और इधर रेलवे स्टेशन है खरखड़ी के नाम से। ओके जी, पुरानी दिल्ली शाहदरा टच है, 1 किलोमीटर यहाँ से रेलवे स्टेशन है सर। अच्छा, खरखड़ी रेलवे स्टेशन जो है, हमारी कॉलोनी का नाम अनिका गार्डन है, दौलत नगर अनिका गार्डन, ये कॉलोनी का नाम है सर, इंडस्ट्री एरिया के नाम से कहते हैं इसको। ओके, क्या बात है दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो ये हमारे साइड है। तो इकबाल सर मैं बात करूं, हमारे साइड पे जो सड़कें हैं, ये कितनी चौड़ी सड़कें आप यहाँ पे दे रहे हैं अपने कॉलोनी में? सर ये 20 फुट का है। अच्छा, ये एक रोड 20 फुट का है, एक इसी तरफ पल्ली तरफ जो है 15 फुट का रोड है सर ये। जी, आपने जैसा कि बताया कि यहाँ पे जो है काफी चौड़ी सड़कें भी आप दे रहे हो, तो यहाँ पे बात करते हैं जैसे कि आसपास की जो लोकेशन पे, जी हमारी जो है मार्केट यहाँ से कितनी दूरी पे है एक्चुअली अगर बात करें? मात्र 500 मीटर की दूरी पे है सर, जो अभी हमने मार्केट देखा वो यहाँ से 500 मीटर की दूरी, 500 मीटर की दूरी पे है, स्कूल वगैरह सब है सर पास में ही। जी तो इकबाल जी एक बात बताइए, जो भी व्यूअर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके पास इस लोकेशन पे आना चाहते प्रॉपर्टी लेने के लिए, जी तो कैसे आपके यहाँ तक विजिट कर सकते हैं? अगर वो NCR से है या फिर दूर से है तो कैसे वो साइट देख सकते? सर जो दूर से आ रहे हैं, हाँ जी, तो सर हम एयरपोर्ट पे रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन आप कॉल करें और हम रिसीव करते हैं सर उनको। अच्छा, और जो लोकल हैं सर उनके लिए हम गाड़ी भेजते हैं। अच्छा, जो दिल्ली NCR से जो है? जी, जो दिल्ली NCR में है, गाजियाबाद में है, दिल्ली NCR में है, उनके लिए हम गाड़ी भेजते हैं सर। अच्छा, सेवा मतलब कि फ्री, कोई भी चार्ज नहीं करते आप? कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं सर। तो दोस्तों देखो, अगर आप NCR से या NCR के आसपास से हैं तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सेवाएं मिल रही है, मतलब कि आप विजिट कर सकते हो बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो सर यहाँ बात करते हैं, जैसे कि हमारी लोकेशन है, तो इस लोकेशन पे जो है बिजली और पानी की व्यवस्था कंपनी क्या करके देती है, उसके लिए क्या सुविधाएं हैं यहाँ? सर यहाँ पे पूरी लाइट वगैरह सबकी सुविधा देख लीजिए, इधर पूरी लाइट वाइट सब है इसमें। ओके, पानी बहुत मीठा है और बिजली पानी अभी फ्री है। फ्री है बिल्कुल जी, फ्री है, मीटर लगवाइए अपना, उसके बाद जो है चार्ज शुरू। क्या बात है, मतलब कि अपना दोस्तों लगवाइए मीटर और आपका जो है यहाँ पे रहना चालू कर दीजिए। हाँ जी, क्या राज है कि मतलब इतना ज्यादा मैं देख पा रहा हूँ इतने सारे लोग वहां घर बना रहे हैं, कुछ जो है दोस्तों बन रही है घरे, काफी लोगों ने यहाँ तैयार करवा लिया, तो क्या राज है कि मतलब इतना ज्यादा यहाँ पे जो है बसावट हो रही है, इतना ज्यादा लोग वहां आ रहे हैं? सर यहाँ पे फैसिलिटी दे रहे हैं ना। अच्छा, फैसिलिटी है यहाँ पे सर, कमाने खाने का एरिया है, मेट्रो स्टेशन रेलवे स्टेशन, बसावट है, फुल सुविधा है, मार्केट है सर, मॉल है सर, यहाँ पे कचहरी है सर, सब कुछ यहाँ है, सब कुछ है यहाँ, सब कुछ यहाँ पे है। क्या बात है दोस्तों, इसलिए लोग आ रहे हैं, तभी इतना तेजी से जो साइड ये निकल रही है। 100% में से 70% निकल चुका। अच्छा जी, ये हाँ ये निकल चुकी है हमारी साइड, बाकी 30% और बचे हैं सर। अच्छा, और भाई लोग उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि आज जिसको चाहिए प्रॉपर्टी आओ, आइए सर, रिक्वेस्ट है आपसे, मुलाकात कीजिए, देखिए,
सुनिए, बैठ के बातें कीजिए और लीजिए, खरीदिए, बनाइए, क्या रहिए। हाँ तो इकबाल जी एक बात जानते हैं, अगर कोई व्यक्ति यहाँ रहता है तो पानी बिजली आसपास बसावट तो दे रहे हो, लेकिन रोजगार, उसके लिए रोजगार की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? सर यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया बगल में है। अच्छा। यही राज है सर, जो यहाँ जो लोकेशन अच्छा है। कहाँ पे इंडस्ट्री है? सामने इंडस्ट्री एरिया है, टोनिकल सिटी, दिल्ली सिग्नेचर सिटी के नाम से। अच्छा, ये जो है इंडस्ट्री एरिया पूरा का पूरा। तो दोस्तों देखो, सारे के सारे जो है इंडस्ट्री एरिया है, जहाँ पे की बहुत सारे जो कंपनियां है यहाँ पे, जहाँ पे की लोग बाग दोस्तों यहाँ पे, इसीलिए यहाँ की जमीन दोस्तों इतनी तेजी से बिक रहा है। राज दोस्तों देखो सामने है कि इंडस्ट्री के पास मार्केट और हाईवे दोस्तों साथ में लगता हुआ मिल रहा है, तो और क्या चाहिए दोस्तों, यहाँ पे इतना जो है आपको सुविधाएं मिल रही है। तो सर यहाँ पे अगर बात करें, कितने दूर दूर से लोग बाग आ रहे हैं मतलब लेने के लिए? जी, सर हमारे पास में सऊदीया से, बेंगलोर से, झारखंड से, बिहार से, यूपी से, आगरा से, राजस्थान से, सारे लोग जो है कॉन्टेक्ट में है, सारे आ रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए। प्रॉपर्टी पास काफी दूर दूर के बंदे आके बना रहे हैं मकान। अच्छा, मतलब दूर दूर से लोग आ रहे हैं। जी तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है, सर आप कहाँ से आए हैं? मैं बरेली से हूँ सर। अच्छा, बरेली से आए हो। तो सर आपने कितने दिन पहले जो है यहाँ पे जमीन लिया था? एक महीने पहले जमीन लिया है। मतलब एक महीने पहले आपने यहाँ जमीन लिया है। तो आप जो ये मकान बना रहे हैं यहाँ पे, तो इसके लिए आपने कितना पेड किया, मतलब कितना पैसा दे करके ये जो है आप घर बनाना चालू कर रहे हो? 25,000 दिया और बना रहे। तो दोस्तों देख पा रहे हो यहाँ पे जो है घर ही बना रहे हैं, यहाँ मात्र 25,000 रुपए दे करके। ये देखिए कितना बढ़िया जो है। तो सर कितने गज का जो है आपकी ये प्लॉट है? ये 50 गज का प्लॉट है। 50 गज का है। तो दोस्तों देखो 50 गज में एक कमरा ही बना लिया इन्होंने, ये किचन का भी एरिया निकल गया और दोस्तों ये एरिया बच गया इतना। मतलब 50 गज में ऐसा फ्रंट, ऐसी प्रॉपर्टी आपको कहाँ मिलता है जो कि भाई? और ये कितने का फ्रंटेज है आपका? 50 गज? 22.5। 22.5 का है। तो दोस्तों देखो 22.5 का मक्का मिल रहा है, वो भी 50 गज के अंदर। तो सर यहाँ बात करें तो आप जो किस्तों की कितने दिन का टाइम देते हो? 36 महीने, 3 साल। 3 साल का टाइम आपको मिला जी? 3 साल का। तो सही है टाइम, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, डीलर हमारा बहुत बढ़िया, हर तरफ से सहयोग करते हैं। अच्छा, तो मतलब जब यहाँ पे आए तो किसी तरह कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है, बगाना काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ओके है। माहौल भी बढ़िया है यहाँ का, माहौल भी बढ़िया है यहाँ का, फैक्ट्री का इलाका, काम भी यहाँ पे खूब। अच्छा, काम की भी कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है सर। ये जो आप मकान बना रहे हो 50 गज में, यहाँ पे जो आप मटेरियल ला रहे हो ईंटे, ये सब ईंटे जो है ये दे देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं? क्योंकि ये तो दावा करते हैं कि हम देते हैं। हाँ, सब सामान देते हैं, मतलब घर बनाने का सारा सामान देते हैं। सामान आपको मिलता है? तो जो सामान मिलता है उसमें समय भी आपको मिलता है, मतलब कि 2-4-6 महीने आराम आराम पैसे देने का? आराम से पैसे, उधारी में मिल जाता सामान? तो दोस्तों देख लो यहाँ पे उधारी में मटेरियल भी आपको मिल जाता है, जो कि आप सभी के लिए काफी बेनिफिशियल रहे। इकबाल जी बात रही हमारी, जो भी व्यूअर हैं आप जैसे कि समय दे रहे हो प्रॉपर्टी के अंदर, तो बात करते हैं कि अगर किसी भाई बंधु को हमारी लेट हो जाती है पैसे देने में, तो उसके लिए जो क्या व्यवस्था आपके पास? उसके लिए व्यवस्था सर, 3 साल अगर नहीं दे पाता है बंदा 3 साल में भी, तो हम 3-4 महीने एक्स्ट्रा और दे देते हैं। अच्छा, मतलब एक्स्ट्रा भी समय हो जाती है जी। तो अब बात करते हैं हमारे साइड पे सबसे छोटा प्लॉट कितने गज का होगा? सर 25 गज का हमारे पास में सबसे छोटा प्लॉट होता है। अच्छा, 11.5 फुट का फ्रंट मिलता है। 11.5 फुट का फ्रंट जी, बहुत अच्छे लोकेशन पे। क्या बात है गाइस। तो दोस्तों अब बात करते हैं सर लीगल डॉक्यूमेंट की जी। अगर कोई भी भाई बंधु हमारे आते हैं तो डॉक्यूमेंट की क्या व्यवस्था है? सर डॉक्यूमेंट की व्यवस्था ये है कि जैसे बंदा 25,000 देता है, उसके नाम हम एग्रीमेंट करके दे देते हैं। अच्छा जी, मकान बनाइए वो याद दे देते हैं, उसके बाद आधे पैसे दो और रजिस्ट्री कराओ हाथों हाथ कोर्ट से। आधे पैसे में रजिस्ट्री साथ साथ जाके करवा दो जी। या तो कोई बंदा अपना आधा पैसा लेके आए, दे और रजिस्ट्री हाथों हाथ कराओ हाथों हाथ, बाकी आधे पैसे किस्तों में दो। तो सर अब बात करते हैं हमारे लोकेशन पे प्लॉट की प्राइस क्या है, अगर प्राइस की बात करें तो? जी, प्राइस हमारे पास में सर 10,000 से लेके और 15,000 तक रेट है फुल बसावत में। ये रेट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सुविधा सारी है। ओके, तो मतलब कि 10 से लेके स्टार्ट हो जाता 15 तक का रेट है? 15 तक का रेट है। तो दोस्तों देखो ऐसी लोकेशन में, ऐसी जगह पे आपको जो इतना बढ़िया प्रॉपर्टी मिल रहा है, अगर दोस्तों लेना चाहते हो यहाँ पे प्रॉपर्टी, तो बिना देर किए हुए आप यहाँ आओ। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह की वीडियो जो है काफी एफर्ट के बाद, काफी रिसर्च R&D करने के बाद हम आप सभी के लिए लाते हैं।